हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो ये वाला व्लॉग है मेरा ट्यूसडे का, अभी जो ट्यूसडे का है वो वाला नहीं, उससे पहले ट्यूसडे का। लास्ट वाला व्लॉग आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि मैंने मंडे ट्यूसडे कंटिन्यू किया था, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली क्या था, मैं मतलब अभी तक तो फिलहाल ठीक थी, खाना वाना बना रही थी, मतलब लंच प्रिपेयर कर रही थी। नन्नू के आने का टाइम हो रहा था स्कूल से, उससे पहले मैंने यहाँ पर राजमा बनाए। पहले ही रेसिपी शेयर करती फिर बताऊँगी क्या हुआ था। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल के तेल को अच्छे से गरम कर लिया था। तेल में मैंने हींग और जीरा डाला, उसमें डाल दिए प्याज और प्याज को अच्छे से रोस्ट कर लिया। और टमाटर ना दो ही पड़े थे घर में, दो तीन पड़े थे तो मैंने दो ही काट के डाले। बिकॉज अभी आपको पता है कि मार्केट में क्या हाल हो रहे, इतने बुरे हाल हो रहे कि मतलब सब्जी खाना भी मतलब इंसान अब 100 बार सोचे कि खाए भी या नहीं खाए, क्योंकि इतने भाव चढ़ गए हैं ना हद से ज़्यादा वाले। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए हैं, मतलब अच्छे खासे बड़े थे टमाटर, तो मैंने दो टमाटर डाल दिए। उसमें हरी मिर्च काट करके ग्रेवी बना लूँगी। और जो राजमा है वो मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, उसमें मैंने विसल दिलवा दी थी, 3-4 आराम से बॉयल हो गए थे। ग्रेवी बन रही है तब तक मैंने यहाँ पर जो मैं रात को राशन लेकर आई थी थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया था, वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है जिसमें करना था। और यहाँ पर मैं अभी चावल को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, बिकॉज राजमा के साथ तो एक टाइम तो चावल चाहिए ही होते हैं, बाद में रोटी इंसान बाद में खाता, मतलब एक टाइम तो चावल चाहिए ही होते हैं। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि राजमा के साथ में रोटी भी लेते ही लेते हैं, बट हमारे घर में ऐसा होता है अगर चावल बन रहा है तो रोटी कोई नहीं खाएगा, सिर्फ चावल ही खाएगा। तो यहाँ पर मैंने चावल को अच्छे से देख लिया था और यहाँ पर मैं बॉयल करके बना रही हूँ आज चावल को। और साथ ही में मेरी जो ग्रेवी है प्याज टमाटर, मेरी नहीं प्याज टमाटर वाली ग्रेवी, वो बन चुकी है और उसमें मैंने डाल दिए हैं राजमा। मुझे पानी कम लग रहा था तो मैंने ना इसमें पानी और डाल दिया, बिकॉज चावल के साथ काफ़ी अच्छी खासी ग्रेवी चाहिए होती तभी मज़ा आता, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आता। और राजमा बने भी अच्छे थे और मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाए थे, मतलब लाइक 2-3 महीने हो गए थे तब जाकर मैंने राजमा बनाए थे। कई बार ऐसा हो जाता ना कि सब्जी होती है घर पे वो बना लेती हूँ, या फिर कई बार ही सूखी सब्जी हो जाती है, दाल वगैरह बन जाती है, इनका नंबर तो लेट ही आता है। तो अभी जो राजमा है वो बन गए थे और मैं चली गई थी नन्नू को नीचे लेने के लिए, बिकॉज़ उसका टाइम हो गया था स्कूल से आने का। तो टाइम हो गया है 2:10 और मैं आ गई हूँ नीचे नन्नू को लेने के लिए। उसकी जो कैब है 2:15 या 2:20 तक आती है और कई बार जल्दी भी आ जाती है, और बेचारा नीचे खड़ों की आवाज़ें मारता रहता है और मुझे ऊपर तक आवाज़ भी नहीं आती, तो इसलिए मैं ना जल्दी ही आ जाती हूँ, 5-10 मिनट पीछे बैठ जाती हूँ। अभी वैसे हवा चल रही है, धूप भी है और हवा भी चल रही है, बस बारिश का इंतज़ार है। बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। और मेरी बहन के वहाँ तो बारिश आ रही है, मतलब मेरी मायके के वहाँ पर बारिश आ रही है, गुड़गांव में यहाँ बारिश नहीं आ रही, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो चलो वेट करते हैं। तो नन्नू आ चुका है स्कूल से और आते के साथ ही पहले मैं उसके कपड़े वगैरह चेंज करवाती हूँ और वो फ्रेश वगैरह होता है, एंड साथ ही में मैं ना उसका बैग चेक करती हूँ, लंच चेक करती हूँ कि खाकर आया या नहीं खाकर आया। कई बार तो ऐसे हो जाता है कि खाकर नहीं आता और बताता नहीं, और कई बार मैं भी चेक करना भूल जाती हूँ। और इसका जो स्कूल का एप्रन और टेबल मैट है ना, इसको अच्छे से फोल्ड करके रख दिया है। एंड डेली का है मेरा इसका देखना डायरी का, मतलब डायरी में क्या मतलब नोट किया है, होमवर्क वगैरह क्या है, इस टाइम देख लूँ तो देख लूँ। उसके बाद ना ये खाना खाने के बाद में थोड़ा सा पढ़ता है, मतलब इतनी देर नहीं पढ़ता है, 15-20 मिनट देर ही पढ़ता है, और फिर थोड़ी देर खेलता है, थोड़ी देर फ़ोन पे देखता है, फिर इतने में इसके ट्यूशन का टाइम ही हो जाता है। 3:15 मतलब 2:45 हो ही जाती है इसको आते आते, बिकॉज 2:30 बजे कैब आती है इसकी, और आते आते उसको फ्रेश होने में और थोड़ा सा बताता है कि स्कूल में क्या किया क्या नहीं किया, करते करते 3 बजी जाती है, फिर खाना खाता है। खाना खाने में भी आधा घंटा चाहिए होता है बच्चों को, है ना, बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है। और अभी मैं इसको देख रही थी इसका होमवर्क और मैं इसको बता रही थी कि ऐसे करना है वैसे करना है, और इसके एग्ज़ाम भी यूटी स्टार्ट हो गए हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर है बिकॉज इसका स्कूल चेंज हुआ ना, तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ रहा है इस टाइम पर। बाकी अभी कह तो रहा है कि अच्छे करके आ रहा है, और बात मतलब कह रहा है कि अच्छे करके आ रहा हूँ मैं टेस्ट, बाकी तो देखो रिजल्ट ही बताएगा। और ये देखो फोन के लिए कितना प्यार किया जा रहा है, हटो हटो, मौसम बन चुका है बारिश का और हवा बहुत जबरदस्त चल रही है। देखो ये देखो,
आज हम बारिश में नहाने वाले हैं, ओके मम्मा? जुलाई 7 हो गया, जुलाई को नहाते हैं। बंद कर दो, मैं दो अक्खी काल चाहिए। मैं इसको अंदर कर दूं। लाइट भी चली गई, आंधी चल रही है, मतलब देख रहे हो पेड़ वेड़ कैसे हिल रहे हैं, और बारिश लग रहा है। अगर ऐसी हवा चली तो बारिश मतलब बादल जो है सारी उड़ा के ले जाएगा थोड़ा बहुत। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, विंडो बंद गए, पकड़ कपड़ा पकड़, मिट्टी आएगी अंदर सारी। बारिश आने लग गई क्या? नहीं, आंधी चल रही है अभी। मतलब तूफान? हाँ मतलब तूफान। मैं बंद कर दे। तो ये क्या कर रहा है बेटे इसका? तो मैं इसका कर रही थी होमवर्क चेक, अभी क्या इसको बना के देती हूँ। क्या वहाँ पर पड़ा है? मेरे हाथ में थोड़ी ना है, अंदर ड्रॉअर पे पड़ा, देख कैसे रोता है ये लड़का। अभी पहले बना के देती हूँ इसको लेमन पानी, फिर इसको दूंगी खाने के लिए कुछ। तो बस यहाँ पर मैंने बना लिया है नींबू पानी, बिकॉज इस टाइम पे ना मस्त है नींबू पानी। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, उमस इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। एक हवा चलती है एक टाइम पे, और एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि बस इंसान पंखे एसी के नीचे ही बैठा रहे। तो नींबू पानी पीने के बाद यहाँ पर मैंने राजमा चावल डाल दिए थे, हमने खाए बैठ कर। और मैंने दिन में फिर इसके बाद ना मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ाया, और फिर मैं रेस्ट करा था। फिर मैंने इतने में हस्बैंड आ गए थे शाम के टाइम पे, एंड उसके बाद ना मैं गई थी हॉस्पिटल, बिकॉज मेरे को जो वीकली इंजेक्शन लगता है ना वो लगना था। और ट्रस्ट मी गाइस, जब वो मेरे को इंजेक्शन लगता है ना, दो दिन तीन दिन कई बार तो ऐसे हो जाता है पूरा वीक निकल जाता है पेन में। इस बार मेरे को दो दिन बहुत पेन रहा, तो मैंने ना रात को कुछ भी नहीं किया, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं होती खड़े होने की, मैं खड़ी हो पाऊँ, तो मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया था। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, बुधवार का शाम का। थोड़ा सा इस टाइम पे मैं बेटर फील कर रही थी, तो यहाँ पर हस्बैंड ने सर्फ में से कपड़े निकाल दिए थे, वैसे वो ही धोते हैं, मैं आपको सही बताऊँ तो मैं नहीं धो पा रही थी, वही धोते हैं। बट अभी मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ। आधे कपड़े तो उन्होंने डाल दिए थे और सर्फ में से उन्होंने निकाल भी दिए थे, तो यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी आगे। नहीं पतली हुई लग रही है, ब्लैक क्लाउड है, लेकिन बारिश के हाल कहीं से नहीं लग रहे आएंगे। ये गिरा है कहीं से, गिरा होगा छिटकनी थी। हवा झंडियली चल रही है, बारिश आ जाए तो मज़ा भी आ जाए, कल भी नहीं आई थी, हवा अच्छी चल रही है। दो पाँच मिनट की है, बदल तो आगे चला गया, मेरा फोन गया। हाँ पाए तुम खड़े रहे, बारिश आ गई लेकिन इतनी तेज नहीं है, हैं? नहीं ठीक है। अभी बारिश आ गई है, और नन्नू है ट्यूशन में, कल उसने पूरा इंतज़ार किया कि बारिश आएगी और मैं नहाने जाऊंगा, अभी फ़िलहाल वो ट्यूशन में है, और जब तक वो आएगा तब तक रात हो जाएगी, तो रह ही जाता है हमेशा। पानी यहाँ तक आ रहा है, हवा भी चल रही है ना साथ साथ, अब बारिश तेज आ रही है। मेरे कपड़े भीग जाएंगे, बहुत तो बस अभी आ गई हूँ नीचे, और बारिश जो है कंटिन्यू आ रही थी। हस्बैंड गए थे नन्नू को लेने के लिए, तो मैंने सोचा चलो ब्रेड पकौड़े, नहीं अभी शायद नहीं गए थे, तो मैं यहाँ पर पकोड़े बना रही थी, ब्रेड पकोड़े कह रही हूँ, आलू प्याज के मैंने पकोड़े बनाए थे। और लाइट जब बारिश आती है ना कट हो जाता है, फिर बीच में आ जा रही थी, तेल तो मैंने अच्छे से मतलब जला लिया था जब लाइट थी, एडजस्ट वगैरह चला के। अगर नहीं होता ना लाइट वगैरह तो पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाता है, उससे गर्मी और ज़्यादा हो जाती है। तो अभी इस टाइम पे हस्बैंड चले गए थे लेने के लिए, तो मैंने फटाफट से पीछे से बनाए, और नन्नू आया तो हम सब ने मिल के खाए। तो जैसे कि अभी मेरे को लास्ट ट्यूसडे को लगा था, मतलब अभी जो गए ट्यूसडे, उससे पहले वाला ट्यूसडे,
तब लगा था, तब मेरे को पेन था 3-4 दिन तक, मतलब एक नेक्स्ट डे तो रहता ही है, उसके बाद धीरे 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 कम होता है। अभी अगेन मेरे को ट्यूसडे को लगा है, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बिकॉज थोड़ा सा हैवी डोज होता है उसमें। बाकी मैंने नेक्स्ट वाले व्लॉग में बताया है कि किस चीज़ का लगता है, क्या हो मतलब क्यों लग रहा है मुझे, क्यों नहीं लग रहा, तो वो नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगी। आपको पता होना चाहिए है ना कि किस रीज़न से लग रहा है। तो यहाँ पर पकोड़े वगैरह बन चुके हैं, चाय भी मैंने बना ली थी, नन्नू ने भी छोटे से कप में ली, और अभी यहाँ पर मैं ट्यूशन का होमवर्क चेक कर रही हूँ। अभी इस टाइम पे ना प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो कुछ थोड़ा सा ध्यान इस पे जा रहा है, और इसी वजह से ना व्लॉग तो काफ़ी सारे 3-4 व्लॉग पड़े हैं बट एडिट ही नहीं हो पा रहे हैं। एक तो इस टाइम पे इतना काम नहीं होता है, ऊपर से फिर थोड़ा सा इसका भी है ना, अगर स्कूल चेंज नहीं होया होता ना तो इतना प्रेशर नहीं होता, आराम से कर लेता। अब सारी चीज़ें चेंज होगी तो इसके लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, तो थोड़ा ध्यान बच्चे भी बनता ही है ना। और इसने यहाँ पर गरम गरम खा लिया तो ये देखो कैसे कर रहा है। तो चलिए गाइज, इस वाले व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी आप देख ही रहे होगे कि मैं बहुत इरीटेट हो रही हूँ आजकल, पता नहीं क्या ही हो रहा है कि मैं छोटी छोटी बात बहुत जल्दी इरीटेट हो जाती हूँ। एनीवेज नेक्स्ट वाले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, आई लव यू गाइज, गुड नाइट।